ओम शांति। आज 19 जून 1970 की बाबा की मुरली है और आज की मुरली में बाबा कहते हैं त्रिमूर्ति लाइट का साक्षात्कार। तो इस पर जैसे अगर थोड़ा चिंतन करें कि त्रिमूर्ति, तो बाबा हमें तीसरे दिन के लेसन में हमेशा बताते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु और शंकर, है ना। बाबा ने ब्रह्मा बाबा का नाम ब्रह्मा रखा और उसके साथ हम सभी ब्राह्मणों को मास्टर ब्रह्मा का टाइटल भी दे दिया, है ना, कि ये ब्रह्मा है और तुम सभी मास्टर ब्रह्मा हो। और इंग्लिश में उसी ब्रह्मा को अगर ट्रांसलेट किया जाए सो इट कम्स आउट टू बी क्रिएटर, है ना। फिर विष्णु और फिर शंकर, ये तीन चीज़ें भी आती हैं, मास्टर विष्णु, मास्टर शंकर। तो बाबा ने ब्रह्मा बाबा के लिए कहा कि ब्रह्मा दो तरीके का है ना, एक जो यहाँ पे ब्रह्मा है प्रजापिता जो यहाँ पर उपस्थित था, है ना, और एक ब्रह्मा जो सूक्ष्म वतन में। तो उस ब्रह्मा को जिसे सूक्ष्म वतन वाला कहा गया उसे हम उनके तपस्वी मूर्त यानी शंकर के स्वरूप में भी समझ सकते हैं। और जो ब्रह्मा यहाँ थे उन्होंने रचा, क्या रचा, संकल्प किए, थॉट्स क्रिएट किए, है ना। सूक्ष्म वतन वाले जो ब्रह्मा है वो विचारों से भी ऊपर है, है ना। तो ब्रह्मा बाबा और हम मास्टर ब्रह्मा, वी आर द क्रिएटर्स ऑफ पॉजिटिव थॉट्स, है ना। एक नई मान्यता, सच्ची मान्यता के साथ जीवन जीने की जो नींव है उसको क्रिएट करते हैं। फिर उस पर चलते चलते मास्टर शंकर के स्वरूप से जो विकर्म हो गए हैं ऑलरेडी सबकॉन्शियस में जो रिकॉर्डेड हैं उनको विनाश करते हैं। और विष्णु के जो चार भुजाएं हैं जिसमें न्यारापन, प्यारापन, स्व का दर्शन, आत्मिक का दर्शन, है ना, आत्मिक स्वरूप का दर्शन, आत्मा की जो शक्तियां हैं जिसे सर्वशक्ति कहते हैं, हर परिस्थिति के लिए शक्ति सक्षम हो चाहे जो भी रिक्वायर्ड है, और ध्वनि में वो जौहर हो, शंख की ध्वनि जैसे सबको अवेयर कर देती है वैसे वाणी में भी वो जौहर हो, है ना। तो जब ऐसी क्वालिटीज आती हैं तो ब्रह्मा विष्णु शंकर का एक परफेक्ट त्रिमूर्ति का कॉम्बिनेशन बन करके हमसे लाइट का साक्षात्कार होगा। और उसी लाइट के साक्षात्कार पे आज की मुरली है कि लाइट का अर्थ बाबा ने हमेशा बताया दो, है ना, एक तो चमक जो रोशनी आत्मिक स्वरूप, और जब उस आत्मिक स्वरूप में रहते हैं तो लाइट यानी हल्कापन रहेगा। बाबा कहते हैं जब वो हल्कापन तुम्हारे अंदर होगा, जब वो लाइट रहेंगे, त्रिमूर्ति रहेंगे, है ना, तो नैनो की ज्योति, ये जो आईज हैं ये ऐसा लगेगा जैसे बल्ब जल रहा है, बाबा कहते हैं इतनी रोशनी रहेगी, चमक रहेगी, है ना। माथा, मस्तक बिल्कुल चमकता हुआ नजर आएगा, बाबा कहते हैं मस्तक की लाइट नजर आएगी। मस्तक और माथा दो अलग चीज, कहते हैं ना मेरा माथा भारी है, दुनिया में लोग कहते हैं ना मेरा माथा बहुत भारी है आज, बाबा कहते हैं माथे पर लाइट का क्राउन होगा, हल्कापन महसूस होगा, सभी काम करते चलो करते चलो, ये भी काम करो वो भी काम करो, बाबा कहते हैं वो माथे पर लाइट का क्राउन महसूस होगा, उन्हें हल्कापन महसूस होगा, है ना, चमकता हुआ चेहरा, बाबा कहते हैं चेहरे से प्रत्यक्ष करो, चेहरा चलन ही प्रत्यक्षता है ना। वाणी से हम अनुभव सुनाएं, वाणी द्वारा सेवा करें, वो भी एक पार्ट नूंद है और बेशक वो बहुत बहुत एसेंशियल है, लेकिन वो प्रचार के लिए और इंट्रोडक्शन के लिए काम तो अवश्य आएगा, लेकिन उसी वाणी में जब जौहर होगी, चेहरे चलन में जो वो प्रत्यक्षता होगी बाबा की, तब जो बाबा कहते हैं ना कि त्रिमूर्ति शिव वंशावली, ब्रह्मा मुख वंशावली, है ना, तुम मेरे संतान हो, इन चीजों की प्रत्यक्षता प्रैक्टिकल हो जाएगी। देखिए बाबा आज कहते हैं जैसे वो लाइट हाउस होते हैं, जो मान लीजिए कोई फंस गया है कहीं बीच भंवर में, तो लाइट हाउस आते हैं दूर से ही चमकते हुए, सो पीपल गेट टू नो कि हाँ वो आ रहे हैं हमें बचा लेंगे। बाबा कहते हैं तुम चैतन्य लाइट हाउस हो, चैतन्य मतलब है ना कॉन्शियस, हमारी जो कॉन्शियसनेस है, चेतना है, ये लाइट हाउस का काम करेगी। लेकिन अगर अवचेतन मन में ही रमण हो रहा है यानी अतीत में या फिर भविष्य में, तो फिर लाइट हाउस नहीं बन सकते। जो आत्मा चैतन्य है, कॉन्शियस है अपने आप को लेकर के, इस प्रेजेंट मोमेंट को लेकर के,
केवल वही हल्की रह सकती है, अन्यथा जो भविष्य में या भूतकाल में भ्रमण करती रहती है, द वन हु इज वॉन्डरिंग इन पास्ट एंड फ्यूचर, वो प्रेजेंट के गिफ्ट में नहीं है तो हल्का नहीं होगी, हल्का नहीं है तो लाइट हाउस नहीं हो सकती। बाबा कहते हैं विदाई तो तुम्हारी माया से होनी है, जैसे बाबा कहते हैं ना बाप दादा मिलन, बाबा कहते हैं मिलन का मतलब क्या है कि बाबा के साथ गुण और कर्तव्यों को मिलाना, एक समान बनाना। बाबा हमको क्या नहीं देता है इस लाइफ में, हम लोग पता नहीं किस किस कंडीशन में थे, अगर अच्छा भी समझ रहे थे तो वो अच्छा था नहीं एक्चुअली, है ना, रियल लाइफ की आइडेंटिटी थी ही नहीं। डिप्रेशन में हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन रियलिटी में थे ये भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि सत्य को कोई जानता ही नहीं है। तो बाबा ने अमूल्य चीज़ दी, तो बाबा कहता है कि बाप के साथ अपने गुण और कर्तव्य मिलाना, ये मिलन मनाना है, है ना। तो ऐसा मिलन जब मनेगा तो विदाई जैसी कोई बात है ही नहीं। बाबा कहते हैं विचारों पर संकल्पों पर ब्रेक कैसे लगाओगे, संकल्पों पर ब्रेक तब लगेगा जब कार्य करते वक्त निमित्त भाव रहेगा। बाबा कहते हैं जैसे यज्ञ में आहुति डलती है यज्ञ के समाप्ति पे, कर्म तुमने जो किया, कार्य जो तुमने किया निमित्त भाव से, उसके रिजल्ट की भी आहुति दे दो, परिणाम और काम दोनों खत्म, स्वाहा बाबा आपका। फिर जो चीज़ आग में जल करके खत्म हो जाती है उसका अस्तित्व बाकी नहीं रहता, तो उसका फिर चिंतन नहीं करना, वो स्वाहा हो गया, वो फिनिश है, ओवर है, अब अगले कार्य पर फोकस करना। दिस इज व्हाट बाबा इज सेइंग टुडे। कहते हैं कि ये कुछ वैसा ही है जैसे मान लो घर में कोई बड़ा है और हमें कोई जिम्मेदारी दी गई, तो वो कार्य कंप्लीट करके उस बड़े को सुना दिया और अपना लोड हल्का, खत्म, काम करना था वो करके खत्म किया। बाबा ने कहा बहुत जिम्मेदारी अपने कंधे पर लेने की आवश्यकता नहीं है, केवल वो कार्य करो, अच्छे से करो, लगन मगन खुश हो करके करो, और फिर जिम्मेवारी तो बाप की ही है, बाप को सौंप दो। बाबा ने एक बड़ा खूबसूरत एग्जाम्पल मुरली में दिया, कहा जैसे कोई गरीब को दान करता है तो वो दान करना तो अच्छा है लेकिन उससे धन की गरीबी मिटेगी, लेकिन शुद्ध संकल्प, श्रेष्ठ भावना, शुभ भावना, कामना किसी के जो मन के शक्ति की गरीबी है उसको ठीक करेगी, और उसको हटाना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाबा कहते इतना पुरुषार्थ करो, इतना ज़्यादा अच्छे कार्यों में बिजी रहो कि समय तो फिर भी दूसरी चीज़ है, तुम्हारा संकल्प भी वेस्ट ना हो। स्पीड ऑफ टाइम इज़ अनदर थिंग, स्पीड ऑफ थॉट इज़ डिफरेंट। ओम शांति।